गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संसाधन एवं विकास भूगोल का पहला पार्ट समझाया था। अब मैं आपको इसके आगे के प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। आपके बहुविकल्पिक प्रश्न किताब में दिया हुआ है, पेज नंबर 13 पर। तो आप पहला प्रश्न देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अनवीनीकरण योग्य। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? इसका उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, पुनः पूर्ति योग्य। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है अधिक सिंचाई। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपका निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका उत्तर है गुजरात। उसके बाद प्रश्न दो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका उत्तर है, पूर्वी नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के तीन मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, फास्फोरस और वनस्पति के अंश जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रकार की मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, कपास, पटसन इत्यादि की फसल उपजाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई करने चाहिए, इससे जल के बहाव की गति कम होती है, और उपजाऊ भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए, इससे मिट्टी के बहाव को कम किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, फसलों के बीच घास की पेटी लगानी चाहिए, इससे पानी बहाव को कम किया जा सकता है। उसके बाद ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं। उपयुक्त तरीकों से पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। इसका उत्तर है, जैव संसाधन में इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। इसमें आपको किताब में ये दिया हुआ है, आपका पेज नंबर है 2 पे दिया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आपको अजैव संसाधन में वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जिससे चट्टानें और धातुएं, आप ये भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, भारत में मुख्यतः 5 प्रकार से भू उपयोग किया जाता है। ये प्रारूप
वर्ष 2014-15 से संबंधित है। वन कुल भू धरातल का लगभग 23.3% भाग में वृक्ष और झाड़ियों से ढका हुआ है। इसके लिए उपलब्ध भूमि इसके अंतर्गत बंजर तथा कृषि योग्य भूमि 5.5% एवं गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि 8.7% सम्मिलित है, जो कुल भूमि का 14.2% है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है धरती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य। इसके अंतर्गत स्थायी चारागाह है तथा अन्य गोचर भूमि 3.3% विभिन्न वृक्षों वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि 1% तथा कृषि योग्य बंजर भूमि 4% सम्मिलित है, जो कुल भूभाग का 8.3% है। चौथा है धरती भूमि। इसके अंतर्गत वर्तमान धरती भूमि 4.9% तथा वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत अन्य धरती भूमि 3.6% सम्मिलित है, जो कुल भूभाग का 8.5% है। अब पांचवा शुद्ध निचल बोधा गया क्षेत्र। इसके अंतर्गत 45.5% भूभाग सम्मिलित है। वर्ष 1960-61 में वन 18.1% भूभाग पर था। वही वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.3% भूभाग पर वन है, मतलब वनों का संख्या बढ़ गया है। वर्ष 1960-61 से अब तक में बहुत कम वृद्धि है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। जो अभी 23% वन है वो 33% होना चाहिए। इतने दिनों में वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसमें पहला कारण दिया है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग के लिए भूमि के कटाव काटा जाना, मतलब मकान ज़्यादा बन रहे हैं इसलिए वन नहीं लग पा रहे हैं। निर्माण क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति हेतु पेड़ों को काटा जाना, वनों को साफ कर कृषि भूमि में बदला जाना, मतलब वन को काट कर उसको उस पर खेती किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल हेतु पेड़ों की कटाई और विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं के कारण वनों का हाशिए होना इत्यादि, मतलब विभिन्न प्रकार के योजनाएं बन रही है जिससे वनों की कटाई हो रही है। ये आपका आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? इसका उत्तर है संसाधनों का उपयोग सांस्कृतिक विरासत जैसे मनुष्य के ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव हुआ है जिससे संसाधनों का उपयोग बढ़ा है। यदि कोई क्षेत्र संसाधनों में धनी है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ है तो इन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग संभव नहीं है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को भूगर्भ से निकालना संभव हो पाया है। आदिम अवस्था में मनुष्य वनस्पतियों पशुओं पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति की और उसमें नवीन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बल पर प्रकृति के रहस्यों को पता लगाया और कल की प्राकृतिक संपदा को आज के संसाधनों में बदला। मनुष्य द्वारा संसाधनों का प्रयोग उसके प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयला तथा पेट्रोलियम का प्रयोग आर्थिक स्तर पर तब तक नहीं की हो पाया जब तक आप भाप का इंजन और अंतर्दहन इंजन का आविष्कार नहीं हो गया। अतः प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपकी किताब में नहीं दिए हैं लेकिन परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है मिट्टी अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के उपाय बताइए। तो इसमें इसका उत्तर है जल वन वायु के जैसे ही मिट्टी
भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे जल, वन और हवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे मिट्टी भी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों एवं फसलों के विकास के लिए मिट्टी अति आवश्यक है, इसलिए मिट्टी अपरदन अथवा भूक्षरण की रोकथाम के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा ढाल वाली भूभाग में पानी के बहाव को कम करके पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती बनाकर जल के बहाव को कम करके दो फसलों के बीच घास की पेटी लगाकर पानी के बहाव को कम करके वृक्षारोपण कर मिट्टी के कटाव को कम करके, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी को अपने जड़ों में पकड़े रहते हैं, इससे मिट्टी के कटाव को का कम होता है। पेड़ों के कतार को लगाकर शुष्क एवं मरुस्थली क्षेत्रों में रक्षक मेघला बनाई जाती है, जिससे हवा का वेग कम हो जाता है और इसमें बेरोक टोक जो चराई का पर रोक लगाकर नदियों पर बांध बनाकर मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन, इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है अथवा एक समय अंतराल पर हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, उसे नवीनीकरण योग्य तथा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। इसके बाद अगला है अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इसमें इन संसाधनों का विकास अथवा निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल जैसे लाखों करोड़ों साल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इसी प्रकार के संसाधन हैं। इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय हैं, जैसे धातुएं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन चक्रीय है। ये संसाधन एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? भारत में संसाधन नियोजन के सोपानों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधनों के उपयोग या उपयोग के लिए संसाधनों का उचित प्रबंध तथा उचित तकनीकी ज्ञान को ही संसाधन नियोजन कहते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण असमान है तथा सीमित मात्रा में है। इस कारण संसाधनों के सतत पोषणीय उपयोग के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है, इसमें प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान में देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों के पहचान कर इसकी तालिका बनाना, सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की मात्रा एवं गुणों का आकलन करना है। द्वितीय सोपान में दूसरे स्तर पर संसाधन के विकास योजनाएं लागू करने हेतु प्रौद्योगिकी कौशल तथा संस्थागत ढांचा तैयार कर उत्पादन करना है, अर्थात संसाधनों से संबंधित कल कारखानों को लगाना है। तृतीय सोपान में तृतीय स्तर का संबंध संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार तीन सोपानों के तहत संसाधन नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। संसाधन एवं विकास, यह पाठ आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आप कॉपी में लिखकर रखेंगे।